चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शपथ ग्रहण समारोह कराया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत पूर्व हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान भोपाल सिंह को शपथ दिलवाई, जिसके बाद भारत वचन 2015 से 2021 तक हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रहे भोपाल सिंह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। वहीं विजय कुमार, सदस्य सत्यवान ने सोशल वर्कर व सचिन जैन ने शपथ ली है। सुनिए सीएम मनोहर लाल और भोपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। जो आज गठन एक प्रकार से पुनर्गठन हुआ है, एक मेंबर को ही चेयरमैन बनाया, बाकी सारे नए हैं। जो पिछले 6 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें 80,000 के आसपास नौकरी मिल पाई, अब पिछले कार्यकाल में और अगले जो अगले 5 साल, 3.5 साल, 4 साल बच रहे हैं, कैसे देखते हैं इस आयोग से और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, हमारी अपेक्षा ये है कि जब भी इनको क्लास 3 क्लास 4 यानी क्लास सी और क्लास डी की रिक्वेशन दी जाती है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो चयन करके और कैंडिडेट्स देते हैं, उसके बाद सरकार उसको ज्वाइन कराती है। तो हमारी अपेक्षा यही है कि जितने भी हम रिक्वेशन को भेजेंगे, उसको ये एक सुचितापूर्ण तरीके से, एक जिस प्रकार से पहले हमने सारे सिस्टम को चलाया है, उसका बिना किसी मेरा कहना के बिना किसी व्यवधान के ठीक से प्रक्रिया इनकी चलती रहे, कोई उसके अंदर गड़बड़ ना हो, और उसके सारे प्रावधान पहले भी हमारे कमीशन ने बनाए हैं। और मैं समझता हूँ कि नया कमीशन जो गठित हुआ है, ये पुराने वाले कमीशन से भी अपने उनके अनुभवों से और एक अच्छी पद्धति से, प्रक्रिया से इस चयन को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो अभी 25,000 के आसपास पद अभी रिक्त हैं, और आपने एक दिन ये भी कहा था विधानसभा में कि अभी 5 साल में 1 लाख के आसपास हम पद भरेंगे, क्योंकि 20,000 के आसपास पद रिक्त होते हैं, तो एक इनको कोई शेड्यूल पेशेंट को कहेंगे वो निर्धारित समय 1 साल में कम से कम इतनी पद? देखिए, हम नहीं कहेंगे, वो शेड्यूल इन्होंने अपने आप बनाना होता है, उनकी प्रक्रिया में होता है। हमारा तो इतनी अपेक्षा है कि जितनी हम इनको रिक्वेशन देंगे, वो रिक्वेशन शेड्यूल के हिसाब से पूरा करें, हर साल अपना शेड्यूल बनाएं। और इस बार एक आसान काम हमने जो किया है वो ये किया कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ही एग्ज़ाम होगा, और वो बच्चा जो भी कोई यानी एप्लीकेंट है वो एक बार रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 3 साल तक उसकी मेरिट जो है वो कायम रहेगी। और उसमें भी जो क्लास डी के हैं, वो हमने जो प्रावधान सरकार की ओर से बना के देना था बना के दे दिया, ग्रुप डी का तो एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी में जिस किसी की रिक्वेशन होगी वो उसमें से लेते रहेंगे, और ग्रुप सी का जो होगा वो डिपार्टमेंट वाइज एक एग्ज़ाम और इनको करना होगा, जो मेरिट के लोग हैं होंगे उनके 3 गुना एक संख्या लेकर के उनका एक एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंटल, वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए बहुत एक सरल प्रक्रिया ये एप्लीकेंट्स के लिए बना दी गई है। देखिए, सारा डिपार्टमेंट ये सारी प्रक्रिया को बना रहा है, कर रहा है। हमने एक उनको बताया कि चूंकि किसान का पैसा होता है, वो जितना डिले हो उसको उसका इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए, तो 9% इंटरेस्ट की बात हुई है, वो उनको हम देंगे। लेकिन इस सारे में एक जो हमारा ये जो आईटी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो तैयार किया जा रहा है, और इस बार डायरेक्ट पेमेंट होगी किसान को, वो आड़ती के माध्यम से नहीं जाएगी, जितना डिले होगा उतना इंटरेस्ट उनको। क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया है सर, सीधे किसानों के खाते में जाएगा? सीधा किसानों के खाते में जाएगा। हर साल जो आड़ती जो है वो हड़ताल करने की बात करते हैं, हड़ताल करते हैं, इस बार भी हड़ताल? मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा विषय आएगा, क्योंकि उनकी आड़त, उनका सारा खर्च उनको मिलेगा, और जिसके वो हकदार हैं, और उनका काम अपना है, यानी बोली लगवाना है, उसको आड़ती को अपना तोल कराना है, उसकी भराई करानी है, उसकी लोडिंग करानी है, मंडी में जितना काम है आड़ती का वो आड़ती ने करना है, बाकी जिन्होंने अपने अपने काम करने अपने करने हैं। जहाँ तक किसान और आड़ती की आपसी लेन देन का विषय है, सर आज आपको हरियाणा स्टाफ आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, और सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं उस विश्वास को न टूटने दूं, और उनके विश्वास, उनकी इच्छा के अनुसार जो उनका लक्ष्य है
और जो विजन है उनका ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता से भर्ती करने का, मैं उस पर पूरा खरा होने का प्रयास करूंगा और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। सर, आप पिछले 6 साल से जो है आयोग के सदस्य हैं कमीशन में, तो आपने कुछ कमियां देखे हुए, ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? हाँ, टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ कमियां थी। अभी हमने कई स्टेटों का को स्टडी किया, वहाँ की भर्ती प्रक्रिया को, और कुछ चीज़ों में हमने मूलभूत परिवर्तन किए हैं और कुछ करेंगे। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की योजना सीएम साहब लेके आए हैं, इस योजना से जो भर्ती है वो बिल्कुल स्पीड अप हो जाएगी और लगभग 1 से 3 महीने में एडवर्टाइजमेंट से लेके सिलेक्शन तक हो जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी रहा है कि जो पिछले टर्नओवर में 6 साल आप सदस्य भी रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि जो पेपर लीक मामला है वो काफी बड़े हैं, इसको रोकने के लिए क्या? विपक्ष भी आरोप लगाता है करीबन 2 दर्जन पेपर लीक हुए, इस तरह की कोई ना कोई ऐसा है। मैं पिछले 6 वर्षों से मेंबर हूँ, हमारी पूरी टीम थी, आज तक भी आयोग का कोई पेपर लीक या आउट नहीं हुआ। उस सेंटर पे कुछ चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई हैं और उन पर शिकंजा कस दिया है। लगभग 200 लोग जेलों में हैं और उस माफिया की कमर टूट चुकी है। अब सारा काम उचित तरीके से होगा, बड़े स्मूथली होगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक